कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुकुल करो शिवाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपा तुम हम वंदे श्री गुरु दीन तारणम परमानंद श्री चैतन्य विष्णु। हरे कृष्णा। सो आज हम चैप्टर 6 पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। लेट देयर बी अ टेम्पल पार्ट 2, एक मंदिर हो भाग 2। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैसे प्रभुपाद अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि वो सब कुछ छोड़ के रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको इनविटेशन आया यूरोप आने के लिए तो प्रभुपाद तुरंत चले गए। प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण प्रभुपाद, यमुना थोड़ा वॉइस ठीक करो, क्लियर नहीं है, और स्लो बोलो थोड़ा, स्लो बोलो माता जी। रिदम रिदम इज वेरी फास्ट। ओके, तो हमने लास्ट टाइम ये जाना कि कैसे प्रभुपाद पहले अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि प्रभुपाद रिटायर होना चाहते हैं, और फिर उनके डिसाइपल उनको सजेस्ट करते हैं आप तेहरान जा सकते हैं, और तभी प्रभुपाद को यूरोप से इनविटेशन आता है और प्रभुपाद तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि रिटायर होना तो ये एक स्वप्न ही रह जाएगा, क्योंकि एक योद्धा की महानता क्या है कि वो युद्ध भूमि में शरीर त्यागे। तो प्रभुपाद बैटल फील्ड में अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं प्रीचिंग करते हुए। तो प्रभुपाद यूरोप में थे और तभी गुरुदास प्रभु सारे इस्कॉन सेंटर्स में डिवोटीज को इनवाइट करते हैं कि कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में जो है उसका उद्घाटन होने वाला है। तो उन्होंने बॉम्बे, कैलकटा, बहुत सारी जगहों पे सारे लाइफ मेंबर्स को इनविटेशन भेजा, उनके लिए गाड़ियां रिजर्व करके रखी कि जैसे ही वो ट्रेन से आएंगे जो बड़े लोग हैं तो उनके लिए गाड़ियां तैयार रहनी चाहिए। और प्रभुपाद भी अपने डिसाइपल्स को, सारे डिसाइपल्स को इनवाइट करते हैं कि वृंदावन में उनको आना है, जन्माष्टमी के दिन ओपनिंग होने वाली है, मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। और प्रभुपाद लॉस एंजलिस में उस वक्त लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद ने उस लेक्चर में भी सबको इन्वाइट किया कि कृष्ण बलराम मंदिर का जन्माष्टमी में ओपनिंग होने वाला है। प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों को इनवाइट किया क्योंकि वृंदावन में इस्कॉन का मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो प्रभुपाद ने अपने सारे गुरु भाइयों को इनवाइट किया और उनमें से एक ने एक्सेप्ट किया, सन्यासी गॉड ब्रदर ने। तो प्रभुपाद ने उनको इस बात का अश्योरेंस दिया कि उनके सारे अकोमोडेशन, रहने का, प्रसाद का, कैलकटा से वृंदावन तक आने का सबका ध्यान रखा जाएगा। और जुलाई 15, अभी 10 दिन प्रभुपाद के आने में है, तो प्रभुपाद ने अपने सारे सन्यासी डिसाइपल्स को कहा कि आप सब वृंदावन पहुंचो कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन के लिए। गुरुदास प्रभु को छोड़ के, यहाँ पे बताया गया है कि गुरुदास प्रभु को छोड़ के वृंदावन में कोई ऐसा भक्त नहीं था जिसको लग रहा था कि मंदिर का उद्घाटन हो पाएगा। सिर्फ गुरुदास प्रभु थे जिनको ऐसा लग रहा था कि मंदिर उद्घाटन हो जाएगा, क्योंकि कार्य इतना धीरे चल रहा था, मंदिर का जो भी हॉल एरिया वो तैयार नहीं था, और जो भूमि थी वो ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और कोई ऑल्टर तैयार नहीं था, विग्रह के रहने की कोई, मतलब कोई सिंहासन कुछ तैयार नहीं था। तो यहाँ तेजस प्रभु बताते हैं कि सॉरी तेजस प्रभु बताते हैं कि गुरुदास प्रभु इतने भयभीत थे कि प्रभुपाद अप्रसन्न हो जाएंगे, और वो इस बात से इतना डर रहे थे कि वो ये बोल नहीं पा रहे थे कि बिल्डिंग अभी तैयार नहीं हो सकती, और वो ये प्रभुपाद को नहीं बोल सकते थे, मतलब प्रभुपाद ने डेट सेट कर दी थी और प्रभुपाद कोई एक्सक्यूज नहीं चाहते थे कि क्यों मंदिर का उद्घाटन नहीं हो सकता। तो इस डर से अब गुरुदास प्रभु कुछ नहीं बोल रहे थे,
और वो कह रहे थे हाँ जन्माष्टमी तक हो जाएगा, और डीले प्रभुपाद कहते थे डीले का कोई प्रश्न ही नहीं है, प्रभुपाद कहते थे डीले नहीं होना चाहिए। तो गुरुदास प्रभु यहाँ पे बताया है कि एडमिटेड कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी पूरा मतलब उन्होंने एडमिट किया कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है जन्माष्टमी तक, उन्होंने प्रभुपाद को कहा। लेकिन उन्होंने कहा इतना कर दिया है कि ओपनिंग हो सकती है, फाइनल टच हम बाद में कर सकते हैं, मंदिर का जो भी सुंदरता होती है मंदिर की वो हम बाद में कर सकते हैं। अब उस समय ऐसा भी था, यहाँ पे बताया गया है कि उस वक्त ना भारत का कोई इंडिया का कोई जीबीसी नहीं था, जीबीसी सेक्रेटरी पहले तमाल कृष्ण महाराज को बनाया, लेकिन वो इतना टेंशन वाला था, इतना स्ट्रेसफुल था कि कुछ महीने तो उन्होंने किया लेकिन छोड़ दिया, और वो फिर उन्होंने कहा मैं वेस्ट में टीच करना चाहता हूँ। फिर प्रभुपाद ने करणधर प्रभु को कुछ महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद फिर प्रभुपाद ने करणधर प्रभु को इंडिया का जीबीसी बनाया, लेकिन उन्होंने तो कुछ हफ्तों में ही छोड़ दिया। तो अभी यहाँ पे भारत का कोई जीबीसी नहीं है। तो गुरुदास प्रभु जो भी प्रभुपाद को लिख रहे थे, प्रभुपाद उस पर विश्वास कर रहे थे, तो प्रभुपाद को एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं थी कि वृंदावन कैसा होने वाला है ओपनिंग। तो यहाँ पे लिखा है अब सब आ रहे हैं वृंदावन एक बहुत ही बड़ा तमाशा देखने के लिए। तो वृंदावन अगस्त 4, 1974 प्रभुपाद की गाड़ी आती है इस्कॉन की प्रॉपर्टी पे, रमन रेती पे, और डिवोटीज पूरे एक्साइटमेंट के साथ जैसे प्रभुपाद का वेलकम करते थे, कीर्तन गार्लैंड्स फ्लावर्स के साथ, और 25 भक्त आए थे अलग अलग मंदिर के प्रेसिडेंट्स प्रभुपाद का वेलकम करने के लिए। प्रभुपाद उतरते हैं, बहुत भीड़ होती है, और प्रभुपाद देखते हैं कि चलने का मतलब अभी कोई रास्ता नहीं है, अभी हाफ कंस्ट्रक्शन, वॉल्स भी पूरी नहीं बनी, आधी वॉल्स बनी है, और मतलब अभी विग्रह तक जाने का जो रास्ता है वो भी पूरा तैयार नहीं है, और सुंदरता और फिनिशिंग की तो बात छोड़ ही दें। तो प्रभुपाद ने एक चक्कर लगाया पास में हल्का सा और मुड़े और कहा ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मंदिर का है। प्रभुपाद बहुत जोर से चिल्लाए, तो यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा मंदिर तो अभी पूर्ण हुआ ही नहीं। तो गुरुदास प्रभु, सुरभि प्रभु, गुणा नर गुणा नर मैं ये नाम नहीं बोल पा रही, गुणा नर प्रभु ये सब बहुत डर गए, चुप हो गए, और उनका चेहरा पूरा सफेद हो गया। तो प्रभुपाद और तेज चिल्लाए हम ऐसे मंदिर का उद्घाटन कैसे कर सकते हैं। तो जो डिवोटीज थे आसपास जो दूर से आए थे फिर वो भी आपस में बात करने लगे कि हाँ ये तो अभी तैयार ही नहीं है, इसका ओपनिंग कैसे होगा। तो एक डिवोटी ने कहा मगर प्रभुपाद डिवोटीज तो अब सारे विश्व से आ रहे हैं, इन्विटेशन जा चुका है। तो प्रभुपाद ने कहा तुरंत उनको रोको, कोई ओपनिंग नहीं होने वाली। और प्रभुपाद का गुस्सा इतनी तेज फूटा कि सबका भ्रम टूट गया कि ये मंदिर का ओपनिंग होने वाला है। और प्रभुपाद का गुस्सा यहाँ पे लगाया बताया इतना फ्राइटनिंग था, इतना भयभीत थे उनके आसपास जो भी थे, मतलब वो वहां से निकलना चाह रहे थे लेकिन निकल नहीं सकते थे। और प्रभुपाद ने कहा अब ऐसे मंदिर का उद्घाटन करोगे। तो हरिकेश प्रभु यहाँ पे बताते हैं कि जो जापान से आए थे, यहाँ पे बताया हरिकेश प्रभु जापान से आए थे मंदिर का ओपनिंग अटेंड करने के लिए, उन्होंने कहा प्रभुपाद ऑल्टर रेडी है लेकिन हम विग्रह की स्थापना कर सकते हैं। और तो प्रभुपाद ने कहा बहुत जोर से हम कोई मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकते, ये मंदिर अभी पूर्ण ही नहीं हुआ। तो प्रभुपाद ये कह के अपने रूम में चले गए, और उनके पीछे पीछे सारे वृंदावन के जो भी मैनेजर्स थे लीडर्स थे वो सब गए, और प्रभुपाद का अपने रूम में गुस्सा बढ़ रहा था। उस वक्त प्रभुपाद से जो जो दूर रह सकता था वो दूरी बना लिया, कोई पास में नहीं जा सकता था। और सुरभि प्रभु जो कि मैनेजर थे वृंदावन के, उनकी वाइफ इतना भयभीत हो गई वो भागी, और भगवान को उन्होंने प्रे किया कि प्रभुपाद का क्रोध देख के वो भगवान से प्रे करने लगी उनको शांत करने के लिए। फिर प्रभुपाद गुरुदास प्रभु पे चिल्लाए उनके मिसमैनेजमेंट के लिए, सुरभि प्रभु पे चिल्ला रहे थे, और एक्चुअली सब पे एक एक पे चिल्ला रहे थे, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई राय दे सके, कोई एक्सक्यूज दे सके, और सब बिल्कुल डिप्रेस थे, चुप थे। और फिर प्रभुपाद अचानक से प्रभुपाद ने पूछा कि क्या आपको लगता है इस मंदिर का ओपनिंग हो सकता है। तो सुरभि प्रभु ने कहा कि अब सुरभि प्रभु ने नहीं, अब प्रभुपाद ने कहा कि क्या आप कम से कम सिर्फ विग्रह को जहाँ स्थापित किया जाएगा, डीटी रूम्स आप वो तैयार कर सकते हैं।
लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रभुपाद ने कहा हमारे सोसाइटी की ये बहुत बड़ी इंसल्ट है। और प्रभुपाद ने कहा लोग क्या सोचेंगे, हमने हर जगह अनाउंस कर दिया है। तो सुरभि प्रभु ने कहा एक्चुअली प्रभुपाद किसी को भी पता नहीं है। तो प्रभुपाद का टोन बदल गया। प्रभुपाद ने कहा किसी को पता नहीं है मतलब क्या आपने इसका प्रीचिंग नहीं किया, आपने लोगों को इनवाइट नहीं किया? तो उन्होंने कहा नहीं प्रभुपाद, वृंदावन में तो हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया है, क्योंकि उन सबको देख के ही पता चल रहा है कि मंदिर की ओपनिंग नहीं हो सकती, उनको पता है। तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या तमाशा बना दिया तुमने। और प्रभुपाद ने वृंदावन मैनेजर्स को कहा कि हमें मंदिर का उद्घाटन करना है, क्या हम कर सकते हैं जन्माष्टमी पे? तो सुरभि प्रभु बताते हैं सॉरी सुरभि प्रभु बताते हैं कि प्रभुपाद अभी दरवाजे तैयार नहीं है, लकड़ी तो अभी कटने गई है दरवाजे बनने के लिए। और प्रभुपाद फिर यमुना माता जी से पूछते हैं कि क्या डीटीज तैयार है? तो माता जी कहती हैं कि सारा पैराफर्नेलिया तैयार है, लेकिन सिंहासन अभी तैयार नहीं है विग्रह को स्थापित करने के लिए। तो फिर प्रभुपाद यमुना माता जी से पूछते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है? तो माता जी कहती हैं कि हालांकि मैं बिल्कुल अनक्वालिफाइड हूँ कुछ बोलने के लिए, और एंड आई हैव नो राइट टू स्पीक, लेकिन मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि असंभव है मंदिर का उद्घाटन होना, क्योंकि कोई पुजारी भी नहीं है। तो फिर बहुत ही ज्यादा असफलता का अनुभव करते हुए प्रभुपाद ने कहा फिर हम मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकते, हमने इतने लोगों को निमंत्रण दिया है और मुझे इस बारे में पता नहीं था, तो अब आप निर्णय लो क्या करना है आगे। तो प्रभुपाद ने कहा कब हम मंदिर का उद्घाटन कर सकते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कार्तिक में कर सकते हैं। तो किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उनके एक डिसाइपल ने कहा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के अपियरेंस डे पे कर लें दिसंबर में। तो प्रभुपाद बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो फिर यहाँ पे सुरभि प्रभु कहते हैं कि प्रभुपाद ऑनेस्टली अभी 6-7 महीने लगेगा पूरा मंदिर बनने में। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, तो फिर अगले साल रामनवमी पे अप्रैल में हम करेंगे, जब मायापुर वृंदावन में भी गैदरिंग होती है तो यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे अब प्रभुपाद के क्रोध के ऊपर थोड़ा सा सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज बताते हैं। वो कहते हैं प्रभुपाद का जो क्रोध है यहाँ पे वो बहुत ही एक इवेंट पे आया, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ऐसे ही थे, प्रभुपाद का ये इवेंट पे आया, और वो भी एक रिएक्शन था उनके जो शिष्यों ने मूर्खता वश कार्य किया उसका ये रिएक्शन था, और ये उनको एक सिखाने का तरीका भी था और उनकी परीक्षा भी लेने का। लेकिन ये सिर्फ एक्सटर्नल नहीं था, कहीं ना कहीं प्रभुपाद के हृदय में अंदर, यहाँ सत्स्वरूप दास महाराज लिखते हैं कि उनको बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हुआ, क्योंकि उनकी ये जो सेवा है वृंदावन में मंदिर की स्थापना करना, ये उनके अपने गुरु महाराज को ऑफरिंग है, ये कृष्णा को किया हुआ एक प्रॉमिस है जो कि हो नहीं पा रहा, पूर्ण नहीं हो पा रहा। तो ये है प्रभुपाद का क्रोध का एक्चुअल कारण। और यहाँ पे बताया कि और प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं ये उनकी जो असफलता है कि वो ये कर नहीं पाए, एक्चुअली इसका बर्डन और इसका शोक ये प्रभुपाद को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि डिसाइपल्स क्या हैं, यहाँ पे बताया है कि जो डिसाइपल्स हैं वो गुरु के हाथ का इंस्ट्रूमेंट है भगवान कृष्ण की सेवा में। तो अगर इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा तो जो दुख है वो गुरु को उठाना पड़ रहा है। इसका एक उपमा से समझाया है कि जैसे हमारे हाथ और पैर ठीक से कार्य ना करें तो पूरे शरीर को सफरिंग मिलता है, तो उसी तरह से अगर डिसाइपल्स ठीक से ऑर्डर को कैरी आउट ना कर पाए तो वो इंस्ट्रूमेंट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा मतलब डिसाइपल, तो फिर गुरु को उसका पूरा सफरिंग लेना पड़ता है। तो यहाँ पे बताया कि जो प्रभुपाद का जो शोक है वो दिव्य है, क्योंकि कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो पा रहा, लेकिन दिव्य है, लेकिन रियल भी है, वास्तविक भी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल के गुरु को शांत कर दोगे, नहीं, उनको प्रैक्टिकल सर्विस चाहिए, यहाँ लिखा है, सिर्फ सेंटिमेंटल नहीं, डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल सर्विस चाहिए। और अगर प्रभुपाद को उनको सर्व करना है, उनके डिसाइपल्स को अगर प्रभुपाद को सर्व करना है तो उनको प्रभुपाद के मूड को समझना होगा और फिर उसके हिसाब से सेवा करना होगा, जिसमें बहुत मेहनत है, इट रिक्वायर्स हार्डवर्क। तो यहाँ बताया डिवोशनल सर्विस क्या है, वो बहुत डायनामिक है, उसमें कार्य है, मतलब सिर्फ ऐसे बैठे रहना भक्ति नहीं है, मतलब यहाँ पे कार्य है, तो उनको कार्य करना। और प्रभुपाद चाहते थे कि उनके जो शिष्य हैं
उनकी सहायता करें उन प्रोजेक्ट्स में जो वो अपने गुरु महाराज के लिए कर रहे हैं, मतलब प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के लिए जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनके प्रभुपाद के शिष्य उसमें सहायता करें, और अगर ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाते हैं तो इस संसार को महान कलेशों से, इस पूरे विश्व को महान कलेश पे बचाएंगे। तो यहाँ पे सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज इतना डिस्क्राइब करते हैं। फिर आगे वापस उस सिचुएशन पे जाते हैं, कहते जब वो मंदिर का निर्माण हो रहा था तो एक्चुअल प्रॉब्लम सारे डिसाइपल्स के लिए, डिवोटीज के लिए क्या था कि सीमेंट नहीं मिल रहा था। तो सीमेंट नहीं मिल रहा था, इतना परेशानी थी कि सुरभि प्रभु, तेजस प्रभु, गुणाण प्रभु, ये सब दिन रात सिर्फ इसी का प्रयास कर रहे थे कि कैसे सीमेंट मिल जाए। ऐसा लग रहा था पूरे भारत में सीमेंट खत्म हो गया, महीने बीतते जा रहे थे, गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिल रही थी। तो अचानक से एक यहाँ पे बताया कि हाँ, यहाँ पे बताते हैं कि जैसे प्रभुपाद आते हैं तो मथुरा बार बार जा रहे थे डिसाइपल से देखने के लिए कि सीमेंट मिल जाए, और कभी कुछ बैग्स मिलते थे तो वो चीटिंग करते थे, वो कहते थे ये सीमेंट का बैग है लेकिन उसमें कुछ और होता था, और फिर जब वो लाके खोलते थे उसमें पानी वानी मिलाते थे तो वो सारा क्रैश क्रश्ड होता था, मतलब उससे बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते, ऐसा होता था। तो फिर जब प्रभुपाद थे वहां पे तब ये काम बहुत जल्दी हो गया, उनको उतना सीमेंट एग्जैक्टली मिल गया जितना मंदिर निर्माण में चाहिए था। तो यहाँ पे लिखा, मतलब ऐसा लिखा है कि डिवोटीज को ऐसा अनुभव हो रहा था कि प्रभुपाद के कारण ये काम जल्दी हो पाया। तो फिर प्रभुपाद को भी पता था कि सीमेंट की बहुत दिक्कत हो रही है, तो प्रभुपाद ने गुणाण प्रभु को कहा कि आप एक एक बैग सीमेंट का काउंट करो जैसे ही वो आ रहे हैं, और प्रभु सुबह 8 बजे से रात के 9:30 बजे तक एक कॉपी और एक पेन लेके सारा टाइम ट्रक से कितना सीमेंट लोड हो रहा है और वो पीछे स्टोरेज शेड में जा रहा है वो काउंट करते थे, उसका एक पर्ची बनाते थे ताकि एक भी बैग इधर से उधर ना हो। और श्रील प्रभुपाद कई बार एक दिन में चक्कर लगाते थे ये देखने के लिए, और बहुत ध्यान से प्रभुपाद देखते थे कि क्या चल रहा है। तो जब प्रभुपाद आए शाम को तो प्रभुपाद ने कहा कितने बैग्स हैं, तो गुणाणव प्रभु ने कहा एग्जैक्ट फिगर जो भी था। तो प्रभुपाद ने फिर जाते टाइम कहा क्या तुमने सब लॉक कर दिया है, तो उन्होंने कहा यस श्रीला श्रीला प्रभुपाद। तो यहाँ पे एंड में लिखा है कि प्रभुपाद सीमेंट के बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई गोल्ड के बारे में बात करते। श्रीला प्रभुपाद की जय।